देखो इंडिया में काफी सारे गेमर्स आ चुके हैं जो कि लाइव स्ट्रीम करते हैं गेम्स को, और बीजीएमआई वगैरह लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो आप भी, वो भी बिना कोई अलग से डिवाइस खरीदे या फिर कोई सॉफ्टवेयर को खरीदे, बिल्कुल फ्री में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। चाहे आप अपने एंड्रॉइड में बीजीएमआई को प्ले करो या फिर अपने आईफोन में प्ले करो, आपको किस तरह से ओबीएस से कनेक्ट करके अपने पीसी के थ्रू लाइव स्ट्रीम कर सकते हो वो आपको दिखाने वाला हूँ। देखो जिस सॉफ्टवेयर को हम यूज करने वाले हैं वो है एनीमिरो 2.0, तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फ्री में आकर आप विंडोज या फिर मैक के लिए डाउनलोड कर सकते हो। नीचे काफी सारे फीचर्स दे रखे हैं जिनके बारे में हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो मैं फ्री डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ और हमारी डाउनलोडिंग शुरू हो चुकी है। देखो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते ही आप देखेंगे ना इंटरफेस काफी इजी है, काफी सिंपल है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कौन से डिवाइस से आपको मिरर करना है, अपने आईफोन या फिर आईपैड से करना है या फिर अपने एंड्रॉइड फोन को मिरर करना है, तो आप कोई से भी फोन से या फिर टैब से मिरर कर सकते हो। दोनों के लिए सेम ही आपको स्टेप्स फॉलो करने होंगे। मैं फिलहाल आपको आईफोन से मिरर करके दिखाने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर iOS को सेलेक्ट करा। अब मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं USB के थ्रू कनेक्ट कर सकता हूँ अपने फोन को या फिर वाईफाई के थ्रू कर सकता हूँ। तो अगर आप वायरलेसली करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो मैं फिलहाल USB से कनेक्ट करना चाहूंगा क्योंकि मुझे बिल्कुल भी लेटेंसी नहीं चाहिए, एकदम स्मूथ परफॉर्मेंस चाहिए। तो सिंपली अपने आईफोन को मैंने USB से प्लग इन कर दिया है और मेरे PC में भी डिटेक्ट हो चुका है कि मेरा आईफोन जो है वो कनेक्टेड है, और इसके बाद कुछ ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल होंगे हमारे डिवाइस के अकॉर्डिंग। इसके बाद ये हमारे आईफोन को रिकनेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो मैं फिर से इसको प्लग इन कर देता हूँ। और इसके बाद जो है हमारे आईफोन पर एक परमिशन के लिए आएगा कि आप इस डिवाइस को ट्रस्ट करते हो क्या। तो हमने यहाँ पर ट्रस्ट कर दिया है और अपना पासकोड भी एंटर कर दिया है। अब इसके बाद जो है हमारा आईफोन सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो अभी आप देख सकते हो हमारी आईफोन की स्क्रीन जो है मिरर हो चुकी है, मैं कैसे भी यूज कर सकता हूँ और पूरी स्क्रीन जो है स्मूथली वर्क कर रही है। मैं यहाँ पर कंट्रोल सेंटर खोल के दिखाऊं तो आप स्मूथनेस देखो, कितना स्मूथ मुझे कंट्रोल सेंटर मिल रहा है। अब देखो मैं BGMI खोल के दिखाऊं ना तो BGMI भी काफी स्मूथ तरीके से खुल रहा है। उससे पहले मैं एक बार इस सॉफ्टवेयर के कुछ फीचर्स दिखा देता हूं क्विकली। यहां पर परसेंटेज दिख रही है, इसको मैं रिड्यूस करूंगा तो अपनी स्क्रीन को छोटा कर सकता हूं। राइट साइड में देखेंगे तो काफी सारे आपको फीचर्स दिखेंगे। एड फ्रेम करूंगा तो यहाँ पर हमारा फोन का फ्रेम लग जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन दिखेगा, मतलब जो हमारे स्मार्टफोन की स्क्रीन है उसका स्क्रीनशॉट लिया जाएगा। बाकी यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड करने का ऑप्शन है, अब हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये सिर्फ हमारी गेम की ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी, मतलब हमारे स्मार्टफोन में जो चीज दिख रही है ना सिर्फ उसी की रिकॉर्डिंग होगी। बाकी यहाँ पर राइटिंग टूल्स मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ आपको मार्क करना है तो मार्क वगैरह कर सकते हो। तो ये अगर आप गेमिंग वगैरह कर रहे हो, स्ट्रीम वगैरह कर रहे हो और कुछ मार्क करके दिखाना चाहते हो अपनी स्क्रीन पर, तो ये टूल काफी बढ़िया हो सकता है। बाकी सेटिंग्स दिखाऊं तो यहाँ पर आपको रिजोल्यूशन का ऑप्शन मिल जाएंगे कि आपको कितनी क्वालिटी में और कितने फ्रेम रेट पर अपनी मिरर करनी है स्क्रीन को। तो यहाँ पर आप एंड्रॉइड के लिए सेलेक्ट कर सकते हो, iOS के लिए अलग से सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए लोकेशन वगैरह भी चेंज कर पाओगे। अब देखो एक बार मैं आपको गेम प्ले करके दिखा देता हूँ किस तरह की परफॉर्मेंस मिलेगी। अब ध्यान रखना मेरी परफॉर्मेंस पर ध्यान मत देना, सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस पर ध्यान देना किस तरह की परफॉर्मेंस मिलती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो बिल्कुल स्मूथ परफॉर्मेंस फिलहाल मुझे देखने को मिल रही है। तो देखो अगर आप प्रोफेशनल गेमर हो ना और प्रोफेशनल स्ट्रीम वगैरह करते हो यूट्यूब पर या फिर किसी और सॉफ्टवेयर पर, तो आप काफी स्मूथ तरीके से यहाँ पर गेमिंग वगैरह कर पाओगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं गेम प्ले करके, तो काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पर हमारा गेम प्ले हो पा रहा है। तो देखो गेम प्ले देख के तो आपको मजा आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ OBS में कैसे स्ट्रीम कर पाओगे। जैसे कि मैंने OBS खोला हुआ है, यहाँ पर मैंने एक सीन क्रिएट कर रखा है। यहाँ पर सोर्स पर जाऊं और हमें विंडो कैप्चर करनी है एक, तो यहाँ पर विंडो कैप्चर पर जाऊंगा मैं, इसको ओके करूंगा और यहाँ पर विंडो में सेलेक्ट कर लेता हूँ कौन सी मुझे करनी है। तो हमें एनीमिरो की विंडो कैप्चर करनी है। तो जैसे ही मैंने सेलेक्ट करा ना तो वो वाली विंडो जो है, मतलब हमारे स्मार्टफोन की स्क्रीन जो है वो यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये हमारी स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। तो मैं इसको सेट कर देता हूँ कि आउटपुट में किस तरह से नज़र आनी चाहिए, तो इस तरह से मैं इसको सेट कर पाऊँगा। इसके अलावा नीचे अपने लोगो वगैरह लगा सकता हूँ, टेक्स्ट वगैरह लिख सकता हूँ, वो सब चीज़ लगाने के बाद मैं स्ट्रीमिंग कर सकता हूँ। यहाँ पर अपनी की वगैरह जो है वो ऐड कर दूंगा स्ट्रीमिंग की, उसके बाद हम यूट्यूब पर या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम कर पाएंगे OBS के थ्रू, वो भी एकदम फ्री में। अब देखो ध्यान रखना अगर आप डेली 40 मिनट या फिर उससे कम लाइव स्ट्रीमिंग करते हो तो आपका फ्री में काम हो जाएगा, लेकिन अगर आप 40 मिनट से ज़्यादा डेली की स्ट्रीमिंग करते हो तो इनका भाई पेड प्लान्स वगैरह है वो आप परचेस कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। इसके अलावा काफ़ी सारी और भी वीडियोज़ आने वाली है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए।
हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चाहे आप अपने आईफोन, चाहे आप अपने एंड्रॉइड में